धर्मनगरी डोंगरगढ़ में आज जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे लोगों में उन्हें देखने की ललक छा गई। हालांकि प्रशासन ने पूरा शहर को ब्लॉक करके रखा था। सड़क रास्ते से जाते समय व मंदिर से उतरते समय नरेंद्र मोदी ने लोगों को अभिवादन किया। चंद्रगिरी जैन धर्म स्थल पहुंचकर जैन मुनि विद्यासागर दर्शन किए। तत्पश्चात मां बम्लेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किए, जिसमें कुछ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर पाए, बाकी लोगों को अनुमति नहीं थी। उसके बाद भी लोगों ने मोदी के आगमन पर खुशी जाहिर की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार डोंगरगढ़ आए हैं। प्रथम फेज का चुनाव 7 नवंबर को होना है, जिसके चलते पार्टियों द्वारा अपने स्तर पर चल प्रत्याशियों का समर्थन के लिए आम सभाएं की जा रही। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पहुंची और मां बम्लेश्वरी माता का दर्शन किया। वहीं जैन तीर्थ चंद्रग्रह पहुंचकर जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि हालांकि मोदी का डोंगरगढ़ में कोई चुनाव सभा नहीं थी और न ही वे चुनाव प्रचार के उद्देश्य से डोंगरगढ़ आए। उनकी मंशा सिर्फ देवी दर्शन व जैन मुनि का आशीर्वाद लेना था। कार्यक्रम समाप्ति के बाद डॉक्टर रमन ने मीडिया से बात की।